हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज 11 मार्च की करंट अफेयर। ठीक है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ए ग्लेनमार्क फार्मा, बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, सी HCL, डी जॉनसन एंड जॉनसन। और इसका सही उत्तर जो है वो होगा ए ग्लेनमार्क फार्मा। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिडेट पाउचर उत्पादन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 4 T20 शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने वनडे में 150+ की 8 पारियां खेली है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया? और हमारे ऑप्शन हैं, ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी भारत रत्न पुरस्कार और डी ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और इसका सही उत्तर जो है वो है डी ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार। ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है। पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपना आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी रूस। और इसका सही उत्तर दोस्तों भारत है। जी हाँ, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? जो हमारा ऑप्शन है, रूस, बांग्लादेश, जापान, चीन। और इसका सही उत्तर जो है वो होगा बांग्लादेश। क्यों होगा, चलिए आइए बताते हैं। बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों का एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया गया?
हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती। और इसका उत्तर दोस्तों अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्होंने फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIFA पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों में बढ़ाए हुए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके ऑप्शन है चीन, रूस, न्यूजीलैंड, जापान। दोस्तों सही उत्तर होगा सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने COVID-19 महामारी से लोगों को बचाने का प्रयास को बढ़ाने के लिए अपने बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ में कर दिया है। हमारे ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 80 करोड़, सी 70 करोड़, डी 50 करोड़। इसका सही उत्तर होगा डी 50 करोड़। जी हाँ, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल में ही अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर देगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ई इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण एवं और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 8 करेंट अफेयर। मैं कल फिर से आऊँगा नए करेंट अफेयर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय, और इस करेंट अफेयर का प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। धन्यवाद।